क्या बोल सकते हैं अभी, लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनल होना सही नहीं है, बट गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो, कैसा गाइस, केम शो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। यस, ये दिन सब लोगों की लाइफ में आता है एंड आज मेरा बर्थडे है। यस, आप लोगों ने जिसे टाइटल देखा वो चीज़ सही है एंड आज देखते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल तो कुछ सरप्राइज़ का चीज़ है, अभी मुझे भी नहीं पता है। एंड जो क्लोथ्स मेरे मम्मी ने लाए थे, मेरे बहन ने मुझे गिफ्ट में दिए थे, वो अभी भी मेरे पास है, मैं यूज़ करने वाला हूँ। बट अभी फ़िलहाल के लिए जब सब चीज़ नॉर्मल है एंड नॉर्मल डे स्टार्ट हुआ है, सुबह से लेकर बहुत सारे लोगों के विशेस आ रहे हैं एंड यस, जैसे बर्थडे होता है तो ऐसे ही होता रहता है, सब लोग विश करते रहते हैं, आपको बस थैंक यू करना रहता है। एंड बाकी की सब चीज़ें हैं, अभी तो फ़िलहाल केक लेने भी जाना है एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई बर्थडे ऑसम। वैसे सब लोगों का प्लान होता है बर्थडे के अंदर कुछ खास करने का, मेरा भी प्लान था बट वो प्लान कैंसिल हो गया ड्यू टू सम फाइनेंशियल इशूज़। बट चलिए कोई नहीं, जितना भी हो सकता है, जो भी आपके हिसाब से हो सकता है, वो एक तरीके से बेस्ट ही होता है एंड इसके लिए मैंने ट्राई किया अपने और से बेस्ट। अपने परिवार को मैं ट्रीट करूँगा साथ में, लाइक केक ला के हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। छोटा मोटा चीज़ रहेगा, घर पर कुछ ज़्यादा खास पे या ज़्यादा कुछ बड़ा करने का प्लान भी नहीं है क्योंकि करंट सिचुएशन ऐसा नहीं है जिस पे लाइक इतना सारा चीज़ किया जाए। बट मे बी होप सो नेक्स्ट ईयर बर्थडे में हम लोग कुछ खास करें या फिर खतरनाक वाला चीज़। तो एक प्लान था ऐसा कि मैं बर्थडे एक छोटा सा राइड करूं, लेकिन फिर ये चीज़ था कि अगेन ये केसेस और ये सब चीज़ें होती जा रही है, तो मम्मा ने बोला कि घर पे ही रहते हैं, घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं। पिछले साल का बर्थडे भी कुछ इसी तरीके से गया था, नॉर्मल में सिर्फ घर पे था, कुछ ज़्यादा कुछ खास किया नहीं एंड इस साल का बर्थडे भी कुछ इसी तरीके से जा रहा है। होप सो कि अगले साल 2022 का बर्थडे कुछ अच्छा हो, फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट। हे गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं केक लेने के लिए। अरे यार, यहाँ पे तो भी बंद है रास्ता, अब दूसरे जगह से जाना पड़ेगा यार। वैसे आज है संडे एंड संडे होने के वजह से लाइक बहुत ज़्यादा लोग बाहर है संडे। वैसे भी मॉर्निंग हो रहा है, जल्दी जल्दी जाके केक लेके आते, नहीं तो बाद में फिर सब बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं अभी केक लेने के लिए। केक लेने में ज़्यादा ऑप्शंस मेरे पास है नहीं, जो ऑप्शन है वो है ओनली चॉकलेट वाला, क्योंकि मेरे घर पे मम्मा को स्पेशली चॉकलेट पसंद है, मेरी बहन को चॉकलेट पसंद है, तो इसीलिए चॉकलेट वाला केक ही लेना पड़ेगा। सो अभी देखते हैं वहाँ पे जाने के बाद क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन से लाइक फ्लेवर्स या कौन सा चॉकलेट में भी अलग अलग तरीके का वैरायटी है, क्या पता, दिखते हैं। जो भी चीज़ है, ज़्यादा बड़ा केक तो मैं लेने का प्लान नहीं कर रहा हूँ, ओनली हाफ एन के जी इतना मोर देन इनफ हो जाता है। तो पहले हम लोग जा रहे हैं यहाँ से रिबन्स एंड बलून्स, फिर देखते हैं। उत्तरी बच गया, एक इंच के लिए बच गया, नहीं तो खड्डे में जाता। यस, पहले हम लोग जा रहे हैं रिबन्स एंड बलून्स एंड रिबन्स एंड बलून्स का देखते हैं, ऑप्शंस अच्छा रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मुंजिनिस जिंदाबाद। कल रात को बहुत ज़ोरों का बारिश हो रहा था, लाइक घर में सोते सोते भी उठना पड़ रहा था, इतना डर लग रहा था, इतना सारा बिजली कड़क रहा था, थंडर स्टॉर्म, बारिश ज़ोरों का। यहाँ पर भी आजकल पार्किंग का इश्यूज होता है, देखते हैं इधर कहीं पे लग। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा पार्किंग का स्पॉट मिला है, जैसे तैसे करके गाड़ी को अंदर बिठा देते, फिट कर देते हैं। मेरे साथ मेरी सिस्टर आई है एंड देखते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। यप, हो गया, नसीब बाइक फिट हो गए। दो केक लिया, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था एक ही केक का, अभी एक है मेरी वाइफ की ओर से एंड एक जो है वो मेरे बहन और मेरी मॉम की ओर से है। तो अरे यार, खड्डे में अटक गया। सो दो केक लिया है, आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा दो केक है।
चलो। तो अभी बैक टू होम। एक चीज़ है कि मैंने नया टायर इंस्टॉल करवाया, उसके बाद डोमिनार का ये जो हैंडल है वो मुझे बहुत लाइट लग रहा है। ओह माय गॉडनेस, बारिश चालू हो गया है, जल्दी जल्दी घर जाना पड़ेगा। जस्ट मैंने बोला एंड बारिश स्टार्ट हो गया। कैसा लग रहा है मेरा न्यू शर्ट? अभी ये मुझे मेरी मम्मा ने और मेरी सिस्टर्स ने मिलके गिफ्ट में दिया है। कुकर, प्रेशर कुकर का अभी सीटी बजने वाला है। थोड़ा टाइम बाद बात करते। हे गाइस, इवनिंग के कुछ 4:30 बजने वाले हैं एंड मेरे घर पे सब चीज़ मेरा फेवरेट का बना था। जो लंच था वो मेरा फेवरेट था। अगेन दो केक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे बट वो लोगों ने दो केक लिए एंड दैट वन फ्रॉम माय वाइफ एंड वन फ्रॉम देम। मेरे परिवार की ओर से मुझे जो गिफ्ट मिला, सो इट्स क्या बोल सकते हैं अभी, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना सही नहीं है बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट एंड इसीलिए अभी मैंने कुछ चीज़ प्लान किया है कि जब वो लोगों के लिए, वो लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं भी कुछ थोड़ा बहुत उन लोगों के लिए करूँ। तो मैंने उसके लिए अभी ऑर्डर किया है बर्गर किंग से डेफिनेटली। सो थोड़ा सा कुछ बाहर का खाना हो जाएगा, अभी वो लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे तो ये चीज़ अच्छा रहेगा। ये मेरी ओर से मैं जितना हो सके उतना कर रहा हूँ। वैसे बाहर बहुत ज़्यादा ज़ोरों का बारिश हो रहा है एंड बाकी आई मिस माई वाइफ सो मच, आई लव यू डियर एंड आई मिस यू सो मच। होप सो कि नेक्स्ट ईयर वी विल बी टुगेदर एंड वी विल सेलिब्रेट आवर माई बर्थडे टुगेदर। ऐसा ही होता है घर के अंदर जब आप लॉक कर दें तो। बाय द वे, मैं आप लोगों को किसी स्पेशल इंसान से मिलाना चाहता हूँ। बहुत टाइम से आप लोगों ने देखा रहेगा उसको मेरे साथ वीडियो के अंदर, बट हियर हेलो डियर, हाउ आर यू। सो हम लोग ऐसे ही वीडियो कॉल पे बात करते हैं। बैठा दिया एंड जस्ट एक झलक दिखाना था। सो वो भी बहुत एक्साइटेड है ब्लॉग में आने के लिए, बट अभी नेक्स्ट आगे चल के देखेंगे जब भी वो यहाँ पे आएगी तभी। फिलहाल तो हम लोग बर्थडे पार्टी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग बाहर सजा रहे हैं, मुझे यहीं पे बैठने के लिए बोला है। बाहर ज़ोरों का बारिश आ रहा है बट बाहर तो जाना पड़ेगा, तो छुपके से मैं चीज़ देख लूँगा कि वो लोग क्या डेकोरेशन कर रहे हैं, बट स्टिल इट इज़ वॉट इट इज़। सो अभी मैं ऑर्डर तो लेके आया, लेकिन ऑर्डर के साथ क्या हुआ मैं आप लोगों को अगर बताऊँगा तो दिल बैठ जाएगा आप लोगों का। ये सारा चीज़ जो हुआ है वो ओनली सिर्फ बारिश की वजह से हुआ है, बट चलिए कोई नहीं, बोलते ना कि सो फार सो गुड। एंड बस अभी वो लोग बाहर प्रिपरेशन कर रहे थे, मैं बाहर आया गया एंड चीज़ ये था कि वो लोगों ने ढक के रखा सब चीज़, आपको देखना नहीं है, बट स्टिल हम लोग तो थोड़े से बदमाश है तो मैंने थोड़ा सा चुपके से देख लिया डेकोरेशन क्या कर रहे हैं। एंड फुल डेकोरेशन तो अभी इसके बाद पता चलेगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के अंदर कि वो कैसे कैसे उन लोगों ने क्या क्या बनाया है। लेट्स सी, सम बलून्स एंड सम डेकोरेशन चल रहा है, तो सरप्राइज़ रहेगा अपने लिए भी, सरप्राइज रहेगा आप लोगों के लिए भी एंड थोड़ा टाइम वेट करने के बाद अपने को पता चलेगा वो क्या है। मारती मारती कर दी, बारी ले लो बिल्कुल। कौन आएगी?
कैसा लगा आप लोगों को ये केक का सिनेमैटिक एंड ये डेकोरेशन, मुझे नीचे कमेंट में करके बताना है। बाहर जोरों से बारिश आ रहा है, आप लोगों को शायद से बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ आते रहेगा, बट लेट्स सी, इट इज़ व्हाट इट इज़।